गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस टॉपिक में मैंने अडेप्टेशंस इन एनिमल्स करवाया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक था उसका बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, तो उसमें बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कवर्स होती है, जिसके कारण वो अपना एरिया खुद सिलेक्ट करते हैं कि वो कहाँ पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते. तो स्केल्स का एग्जांपल दिया था उसमें, स्नेक, लीजर्ड, क्रोकोडाइल, ये उनकी क्या है, स्केल बॉडी है, जिसके कारण क्या है वो रेंग सकते हैं, मॉल्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं. नाउ टुडे वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 7, शेल्स. शेल्स होता है कठोर आवरण. तो देखिए, एनिमल्स लाइक टॉर्टोइस, स्नेक एंड टर्टल आर प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड शेल. देखिए, जैसे कि जानवर है कछुआ, दिस इज टॉर्टोइस. स्नेल, स्नेल क्या होता है, घोंघा, ये इसकी हार्ड आउटिंग कवरिंग है, आउटर कवरिंग है. टर्टल समुद्री कछुआ जो समुद्र में रहता है, एंड प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड, जो एक कठोर आवरण के द्वारा क्या होते हैं, सेफ होते हैं. द शेल प्रोटेक्ट्स, जो ये शेल होता है, कठोर आवरण होता है, इन्हें बचाता है फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर, आंतरिक खतरों से. एक्सटर्नल होता है आंतरिक. व्हेन दीज एनिमल्स आर इन डेंजर, जब ये जानवर खतरे में होते हैं, दे हाइड इन देयर शेल, ये अपने इस कठोर आवरण में छुप जाते हैं. फेदर्स, फेदर्स क्या होते हैं, पंख. इसका एग्जांपल हमारे पास बहुत अच्छा है, स्पैरो. यहाँ पे भी आपको पिक्चर दी गई है, अ बर्ड बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स. फेदर्स कवर्ड द बॉडी ऑफ बर्ड्स, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड एंड रेन एंड हेल्प देम टू फ्लाई. जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उन्हें सर्दी से, गर्मी से, इवन उन्हें फ्लाई, उड़ने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं. फर और वूल, इसी तरह ऊन होती है और कुछ फर होती है. एनिमल्स लाइक शिप, भेड़ होती है, बकरी होती है, भालू होता है, हैव्स स्पेशल बॉडी कवरिंग, इनकी क्या है, एक विशेष बॉडी कवरिंग होती है. द बॉडी ऑफ शिप, जिस भेड़ का शरीर होता है, इज कवर्ड विद वूल, वो क्या है, ऊन से ढका हुआ होता है. वाइल दैट ऑफ अ बियर इज कवर्ड विद फर, इसी तरह जो बियर होता है वो फर से, लंबे लंबे बालों से ढका हुआ होता है. सच बॉडी कवरिंग प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड रेन, ये बॉडी कवरिंग उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड और गर्मी से क्या है, बचाती है. ब्रीथिंग ऑर्गन्स, सांस लेने की इंद्रियां इनकी कैसी होती है. ऑल लिविंग बींग्स नीड टू ब्रीथ इन टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स. अब देखिए, सभी जीवों के जीने के लिए क्या है, सांस तो जरूरी है, चाहे हम भी हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, विदाउट ब्रीदिंग हम सर्वाइव नहीं कर सकते. तो इसी तरह एनिमल्स को भी क्या है, ब्रीदिंग की क्या है, बहुत ज़्यादा नीड होती है. उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, वो अलग अलग होती है. सभी अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग ज्ञानेंद्रियों से क्या करते हैं, सांस लेते हैं. वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म, जीवाणु, जैसे कि अमीबा एंड पैरामैग्नीशियम लिव्ड इन वाटर, वो पानी में रहते हैं. एंड ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, और अपनी बॉडी की सतह से, शरीर की सतह से ही क्या लेते हैं, सांस लेते हैं. इंसेक्ट्स, कीट पतंगे लाइक एंट्स, कॉकरोच एटसेट्रा ब्रीथ थ्रू टीनी एयर होल्स कॉल्ड स्पाइकल्स. क्या होते हैं ये, क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे जो इनकी बॉडी में छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, उससे लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्पेरिकल्स कहते हैं. दीज आर फाउंड अलॉन्ग द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स. ये क्या होते हैं, इंसेक्ट्स की, देखिए इंसेक्ट्स की बॉडी के साइड्स में छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, ये इसके थ्रू लेते हैं. आगे, एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जो जीव हैं, लाइक फिश, जैसे कि मछली, प्रॉन्स, क्रैब्स, ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये सब क्या होते हैं, किससे लेते हैं, सॉरी, ये क्रैब और प्रॉन का एग्जांपल मैं आपको उसमें दे रही थी, ये रॉन्ग है, इंसेक्ट्स नहीं है ये. तो देखिए, ये किसके थ्रू लेते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है. ये क्या है, गिल्स के थ्रू, गिल्स होते हैं गलफड़े, देखिए
गिल्स, ये फिश हैं, ये इसके गिल्स हैं, गलफड़े हैं, इसके थ्रू ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। गिल्स हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, जो गिल्स है वो बहुत बड़ी मात्रा में खून का क्या करता है, सप्लाई करता है, पूर्ति करता है किसको, वेसल्स को। गिल्स ऑब्जर्व ऑक्सीजन, गिल्स क्या करते हैं, गलफड़े ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एंड डिसॉल्व इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर में पानी में क्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो क्या है डिसॉल्व हो जाती है, इज पास्ड आउट उनके छोड़ते ही वो पानी में क्या है घुल जाती है। इसी तरह एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, स्केलमेंडर्स एंड टोड्स आर ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एज वेल एज, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कुछ आगे जैसे क्या हो गए फ्रॉग्स, मेंढक वगैरह हो गए, ये किसके थ्रू लेते हैं, लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू लेते हैं, ये देखिए थ्रू लंग्स। बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, जितने भी पक्षी हैं, मैमल्स स्तनधारी जीव है वो सभी किससे लेते हैं, अपने लंग से लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं, क्या लेते हैं, ब्रीथ यानी सांस लेते हैं। ह्यूमन बीइंग टेक एयर थ्रू द नोज, इंसान है जो वो हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं, विच गोज़ इन टू द लंग्स, जो कहाँ जाती है हमारी लंग्स में जाती है, थ्रू विंड पाइप, और विंड पाइप की हवा वाली पाइप की मदद से जाते हैं। लंग्स आर स्पॉन्जी इलास्टिक बैग, लंग्स क्या होता है एक फूला हुआ बहुत ही लचीला क्या होता है थैला होता है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, जो क्या होता है बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारे हार्ट के सभी पार्ट्स में। तो मैं आपको इसकी अब तक क्या है 7 वीडियोस दे चुकी हूँ, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, और इस लेसन को रीड कीजिएगा केयरफुली एंड आपका जो ये बुक वर्क है कॉन्सेप्ट चेक इसे फिल कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।